ये विंडो आएगी, इसको बंद कर दें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक फाइल है, इसमें पहले से ही टाइप हुआ हुआ है, और तो हमें कुछ टाइप कर लेना है। टाइप करने के लिए टाइप टूल लेकर आप टाइप कर सकते हैं बॉक्स बनाकर, कितना भी बड़ा, ठीक है। और अगर हम इसको राइट क्लिक करके फिट इन विंडो करते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये हमारा पेपर ये वाला है पूरा, जो बॉक्स दिखाई दे रहा है, और ये जो लिखा हुआ है ये पेपर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हम इसको वापस एक्चुअल साइज़ कर लेते हैं ताकि हमें लिखा हुआ भी दिखाई दे, और ऑल्ट के साथ क्लिक करके नीचे को ले आएंगे, ठीक। अब हमें क्या करना है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे पैराग्राफ मेन्यू, ठीक है। पैराग्राफ मेन्यू, इंडेंट और हाइपरनेशन, अलाइनमेंट और स्टाइल। पैराग्राफ मेन्यू रह गया था हमारा अपने लास्ट वीडियो में, आज हम इन सबको कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो पैराग्राफ क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है इसको पैराग्राफ बोलते हैं, ठीक है। तो इस पैराग्राफ की अगर हमें सेटिंग्स करनी हो तो कैसे करेंगे, तो ये टाइपिंग टूल लेंगे और इस सबको सिलेक्ट कर लेंगे, और क्लिक करके बीच में कहीं भी कंट्रोल ए करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, या फिर आप ऐसे माउस से मेहनत भी कर सकते हैं, लेकिन जब कंट्रोल ए से सिलेक्ट हो सकता है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर आना है टाइप मेन्यू में, और यहाँ पर पैराग्राफ पर क्लिक करना है, या फिर हम कंट्रोल एम शॉर्ट की भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कंट्रोल टी, तो उसके लिए टी होती है, इसके लिए एम होती है। अगर आपको ये वाला देखना है तो ये हमने अपने पिछले वीडियोज़ में बताया था ऊपर तक, वहाँ से देख सकते हैं। कंट्रोल एम करेंगे, उसके बाद हम देख रहे हैं कि इसमें लेफ्ट लिखा हुआ आ रहा है, फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है, राइट लिखा हुआ आ रहा है। कहने का मतलब ये है, ये जो टेक्स्ट है हमारा लेफ्ट से छूट जाए, इंडेंट छूट जाए, इसके लेफ्ट साइड में स्पेस बच जाए ताकि हम लेफ्ट साइड में कुछ लिख सके या कुछ लगा सके। तो हम चाहते हैं कि हमारा पेपर जो है लेफ्ट साइड से 1 इंच छूट जाए। फर्स्ट लाइन है ये, ऊपर से फर्स्ट लाइन को हम चाहते हैं 2 इंच छूटे। राइट से ये लेफ्ट था, ये राइट है, राइट से कितना छूटना चाहिए, राइट से भी 1 इंच छूटे ताकि हम इसके चारों तरफ 1 इंच मोटा बॉर्डर लगा सकें। हमने इसलिए छोड़ा है, या आप इसके चारों तरफ 1-1 इंच का कोई एड्स या कोई पट्टी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब हम कुछ भी लिख सकते हैं इसके साइड में 1 इंच छोड़ने के बाद। अगर हमने ये टेक्स्ट पेज पे सेट कर रखा होता और हम चाहते हैं यार 1-1 इंच का स्पेस और छूट जाए, तो हम पैराग्राफ सेटिंग से कर सकते हैं उसको, ठीक है। उसके बाद लेफ़्ट राइट सेंटर जस्टिफाई, इसका भी यूज़ कर सकते हैं अलाइनमेंट का भी। वो हमने पहले भी की थी, जो नीचे से होती है जब हम 3 अक्षर को एंटर लगा कर लिख लेते हैं और हम चाहते हैं कि ये तीनों एक दूसरे के सेंटर में आ जाए, या लेफ़्ट साइड से लिखे जाए या राइट साइड से लिखे जाए, तब के लिए ये यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद ओके कर देते हैं, इसमें और कुछ नहीं होता है। अब देख रहे होंगे जो हमने सिलेक्ट कर रखा था उसमें साइड से इधर की तरफ भी 1 इंच का स्पेस आने लगा है, इधर भी 1 इंच स्पेस आने लगा है, ऊपर 2 इंच आया है, ये यहाँ से शुरू किया जाएगा 2 इंच, 1 इंच यहाँ तक और 1 इंच यहाँ तक, 2 इंच, ठीक है। और इसी तरह से ये पूरा हो गया है हमारा, ठीक है। तो हम लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई का यूज़ भी कर सकते हैं। जब हमारा लिखा हुआ इस तरह से हो, देखो अब देख रहे होंगे कि वो बॉक्स तो पूरे पर आ रहा है, मतलब साइड में भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, लेकिन ये लिखा हुआ जो है अंदर अंदर आ रहा है इसके। तो ये लिखा हुआ इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पैराग्राफ सेटिंग्स की है। अब हम इस साइड में जहाँ ये लिखे हुए की जगह बची है ये वाली, इसमें हम कोई पट्टी लगा सकते हैं या कुछ और, कुछ बैनर बॉर्डर कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं, किसी टेक्स्ट को सेट करने के बाद हम पैराग्राफ सेटिंग के द्वारा भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ होती है, अगर हमने पैराग्राफ सेटिंग्स नहीं कर रखी है और हम चाहते हैं जो ये हमारा टेक्स्ट है, इसको हम फिट इन विंडो करके दिखाते हैं। अभी भी आप देख रहे होंगे कि ये टेक्स्ट बाहर निकल रहा है, मैंने इसको और बड़ा कर दिया है तो ये अब और ज़्यादा बाहर निकलने लगा है पेज से। पेज इतना है, ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये प्रिंटिंग में आएगी, ये चारों तरफ मार्जिन है, ये प्रिंटिंग में नहीं आता, तो इस ब्लू लाइन के अंदर होना चाहिए लिखा हुआ। तो उसके लिए एक और कमांड होती है पेज मेकर के अंदर, वो नेक्स्ट कमांड है। यहीं से अभी पहले हम इसको एक्चुअल साइज़ कर लेते हैं ताकि हमें लिखा हुआ दिखाई देता रहे, और ऑल्ट के साथ इसको नीचे ले आएंगे। अब इसको कंट्रोल ए कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे या सिलेक्ट कर ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद टाइप मेन्यू में आएंगे, उसके बाद होता है इंडेंट टैब्स। इंडेंट टैब्स क्या होता है, और इंडेंट टैब पर क्लिक करना है। इंडेंट टैब के बाद ये यहाँ पर ये दिखा रहा है, देखिए ये जो ये साइड में ये आ रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो ये होता है पेपर को एडजस्ट करने के लिए कि हम चाहते हैं कि ये लिखा हुआ जो है
वहाँ तक आ रहा है ना, तो ये इसलिए वहाँ तक दिखा रहा है इसे, तो हमने इसको इधर कर लिया है कि ये यहाँ तक दिखाए, और उसके बाद नीचे वाले को पकड़ेंगे इसको यहाँ से, और इसको पकड़ कर यहाँ ले आएंगे कि ये यहाँ तक दिखाए। उसके बाद हम इसमें फर्स्ट लाइन भी सेट कर सकते हैं, ये एक तरह से पैराग्राफ सेटिंग ही है, लेकिन पैराग्राफ सेटिंग्स नहीं है, पेपर को सेट करना है थोड़ा सा। पैराग्राफ सेटिंग्स में हम लेफ्ट राइट से स्पेस छोड़ सकते हैं, बिल्कुल सेम वही, ये लेफ्ट का और ये राइट का स्पेस बढ़ाकर इसको ये टेक्स्ट को अंदर ला रहा है, और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है इसके ऊपर भी एक पॉइंट है, वो पॉइंट होता है पहली लाइन के लिए, जो फर्स्ट लाइन होगी वो यहाँ से शुरू होगी। तो अब हम इसको करने के बाद सिलेक्ट किया हुआ होना ज़रूरी है और अप्लाई करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि ये हमारा टेक्स्ट सेट हो गया है हमारे उसके हिसाब से जो हमने दिया था, ठीक है। उसके बाद हम इसको थोड़ा बहुत और अंदर कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और देख सकते हैं हो रहा है ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और इंडेंट टैप का यही यूज़ होता है। अब आप देख रहे होंगे ये पहली लाइन जो है हमने वो ऊपर वाला थोड़ा सा आगे को किया था, उसकी वजह से आ रही है, और ये बाकी नॉर्मल हो गया है, ठीक है। और अगर हम इस पर क्लिक करके देखते हैं तो हम देखते हैं जैसे कि पैराग्राफ सेटिंग्स में दिखाई दे रहा था कि इसके इधर भी स्पेस छुटा हुआ है, इधर भी स्पेस छुटा हुआ है, ठीक है। तो पैराग्राफ सेटिंग्स में हमने वो स्पेस इसलिए छोड़ दिया था कि हम पैराग्राफ को भी एडजस्ट कर सकते हैं और साइड में कुछ लगा भी सकते हैं, अगर कुछ हमें कोई पेपर पर कुछ एड्स वगैरह या कुछ और लगाना हो, या कोई बैनर या कोई हेडिंग्स लिखनी हो साइड में कि स्पाइसमैन के कॉपी नॉट फॉर सेल, इस तरह की कोई एप्लीकेशन हेडिंग्स लिखनी हो तो हम लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये अच्छा लग रहा है, मतलब हमने कुछ ज़्यादा एडजस्ट नहीं किया, बस वहाँ से इंडेंट टैब लिया और इसकी मदद से इसको हमने एडजस्ट कर लिया। उसके बाद होता है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या होता है? अलाइनमेंट होता है टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई करना। हम चाहते हैं लेफ्ट हो जाए तो लेफ्ट हो जाएगा, राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, और सेंटर करेंगे तो सेंटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ सेंटर, ये सेंटर में हो गया। अब लाइनें छोटी बड़ी हो रही थी लेकिन एक दूसरे के नीचे आ गई हैं, ठीक है। इसी तरह से इसको हम जस्टिफाई रखते हैं, या फोर्स जस्टिफाई में भी जस्टिफाई होता है, और जस्टिफाई में जो है अगर आधी लाइन होगी कोई तो ये उसको नहीं खींचेगा, और फोर्स जस्टिफाई में आधी भी होगी तो उसको भी खींचेगा, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं। और ये जो ये नीचे पी का बटन है, यहाँ से भी हम कर सकते हैं। पहले पी के बटन पर क्लिक करना पड़ेगा जब ये आएंगे कि लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई और फोर्स जस्टिफाई, ठीक है। तो हमें चाहिए कि फ़िलहाल लेफ्ट रहे, और ये टी जो होता है, टी में ये कमांड्स होती हैं जो नॉर्मली आती है, ठीक है, वो टी में होती है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर एक स्टाइल नाम का ऑप्शन है, ठीक है। तो स्टाइल भी सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट के ऊपर ही लगता है। स्टाइल होता है ये पहले से डिफाइन हुए हुए होते हैं कि जो है हमारा ये लिखा हुआ बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से हो जाए, जो भी उसकी सेटिंग्स होगी उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ स्टाइल में आएंगे कैप्शन के हिसाब से हो जाए, कैप्शन का जो स्टाइल इसके अंदर सेट हुआ होगा उसके हिसाब से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम कहेंगे कि ये हेडिंग इंडेंट के हिसाब से हो जाए, या यहाँ पर और भी हैं कि ये हेडिंग के हिसाब से हो जाए, मतलब हम चाहते हैं कि ये जो हमारा लिखा हुआ है हेडिंग के हिसाब से हो जाए, या सब हेड के हिसाब से हो जाए, या और कोई किसी के भी हिसाब से, ठीक है। तो ये नो स्टाइल कर देंगे तो ये वापस नॉर्मल हो जाएगा, स्टाइल नो स्टाइल बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से कर लो पहले, और उसके बाद नो स्टाइल कर लो, ठीक है। तो बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से वो नॉर्मल वाला ही होता है, बस वो फैल जाता है, ठीक है, जो हमने सेटिंग्स की थी वो हट जाएगी बॉडी टेक्स्ट के हिसाब से। उसके बाद हम डिफाइन न्यू स्टाइल कर सकते हैं, ठीक है। हम उस स्टाइल को डिफाइन करने के लिए न्यू पर क्लिक करेंगे और उस स्टाइल को नाम दे देंगे कि ये इस नाम का स्टाइल होगा, और इसमें जो है ये इनमें से किसी के जैसा नहीं होगा, ना यहाँ पर किसी को सिलेक्ट करेंगे, बस हम करेंगे कि ये करेक्टर में जो है करेक्टर सेटिंग्स क्या होगी, जब भी इस पर कोई क्लिक करेगा तो ये लिखा हुआ हिंदी में कन्वर्ट हो जाया करेगा, ठीक है। जो मैंने अपने नाम का स्टाइल बनाया है, हमें कहीं कुछ नहीं सिलेक्ट करना, बस नाम देना है। उसके बाद ये नाम देंगे, ये साइज़ हो जाएगा, पोजीशन बढ़ा सकते हैं, ट्रैकिंग, ये सब हम अपने पिछले उसमें सीख चुके हैं कि ये ग्रीन हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा और बोल्ड हो जाएगा,
और चाहो तो स्ट्राइक थ्रू भी कर सकते हो। ओके करेंगे, अभी ये करेक्टर सेटिंग हुई। इसके बाद हम पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं कि जब इस पर क्लिक करें तो उसका पैराग्राफ की सेटिंग्स अपने आप लेफ्ट से 2 इंच हो जाए और फर्स्ट लाइन में 1 इंच हो जाए और राइट से 2 इंच हो जाए इस तरह से, और भी कर सकते हैं। ओके करेंगे, उसके बाद टैब सेटिंग्स कर सकते हैं कि जब भी कोई टैब करे तो वो यहाँ यहाँ आ जाए, या इसकी कोई ज़रूरत नहीं है तो इसको कैंसिल कर दो। हाइपरनेशन की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ओके कर देंगे बस बाकी, और उसके बाद ओके कर देंगे। ठीक है, तो वो बन गया है। अब वो दिखाई कैसे देगा, यहाँ से टाइप में आएंगे और स्टाइल में आएंगे और हम देखेंगे यहाँ पर ये आ रहा है। उस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे सबसे पहले तो वो हमारा इधर से 2 इंच छूटेगा, इधर से 2 इंच छूटेगा और ऊपर से 1 इंच छूटेगा, और ये पैराग्राफ सेटिंग्स कहलाई ये वाली। तो और ये हमारा हिंदी में कन्वर्ट हो गया है और कलर्ड हो गया है और बोल्ड हो गया है। इस तरह से हमने इसको यूज़ कर लिया है स्टाइल को। इसी तरह से कर सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा पीछे से करके दोबारा से देखिए, समझ में आएगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कठिन नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो इसको कीजिए और मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो।